जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गुरुवार को जनपद संत कबीर नगर से सटे सीमावर्ती क्षेत्र सिमरा डांडी ड्यूठाकोर खरसरा बाजार जुमरी बैरघट्टा भरुइया एवं सहजनवा तथा पीपीगंज के ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया और लॉकडाउन की स्थिति एवं बॉर्डर पर आवागमन की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद संत कबीर नगर से लगी सीमाओं को सील कर आने जाने वालों को पूरी तरह निगरानी रखी जाए तथा एसडीएम सहजनवा संत कबीर नगर के एसडीएम को भी इसके बारे में अवगत करा दिया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी केविजन पांडेयन ने गेहूं क्रय केंद्र राव का निरीक्षण कर गेहूं की खरीद के बारे में जानकारी ली तथा निर्देश दिया कि छोटे किसानों के गेहूं को उनके खेतों से ही खरीदने की व्यवस्था बनाई जाए। इस अवसर पर एसडीएम सहजनवा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हमारा जो बॉर्डर है मंदिर है छोटा सा पुलिया भी है पतला रास्ता है वहाँ पर बल्ली कटवा करके क्या लगता आपको मिला है अभी पैसा का है कुछ व्यवस्था आपको पैसा साहब हासिल नहीं आ रहा है नहीं रहा है। कौन किसान लेके आए विक्रम आपका है हाँ बाबा कितने लेके आस पास का जो मान लीजिए 50 क्विंटल के नीचे है जो देने वाले हैं टाइम आपको बता देना वहाँ गांव में हम लोग इकट्ठा कर देंगे और बस वहाँ और ये पौधा लोगे तो फिर पलट करके वहीं गांव में हो जाएगा वहीं छोटे दो गाट मिला है मैंने 1000 बोरा होगा ये रिल्सी कैसे कर रहे यार यहाँ सुनो कंप्यूटर में रिल्सी कैसे कर रहे एक आसपास कोई केंद्र है सीएससी केंद्र है कंप्यूटर सुविधा केंद्र जन सुविधा केंद्र वो लड़के का बता दे फोन रख ले यार आपका आसपास सी बाबा आपने कैसे पंजीयन किए ऑनलाइन के जरिए पंजीयन किए आसपास वाले कौन थे और 20 के बाद हम पूरा खोल ये सारा के का चालान हो गया कटवा देना बेटा स्टोर वाला था ट्रैफिक वाले के आपका गांव इधर ही है उधर तो नहीं पड़ता ये करीब चमक रहे हैं।